तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है, मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है, इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सख्ती कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं, किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार। नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हो, 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 9, 10, 10 पेपर लीक हुए, कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूं, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखे जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। ओवैसी साहब यहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो आ गए लेकिन अखिलेश यादव अभी वो नहीं पहुंचे। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता हूं। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। सर, डेफिनेटली ये वेल प्रतिष्ठित परिवार है, इस प्रतिष्ठित परिवार के तहत हमारा ये कहना है सर कि अभी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारत प्रशासन ने यह कहा कि मैंने 5 बार विधायक रह चुके हमारे माननीय मुख्तार अंसारी जी, और लोगों ने माफिया और तमाम तरह की चीजों से कहा, इस पे आपका क्या कहना है सर? कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने, आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई रशिया में? अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? कहती है विश्वगुरु बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने 1 लाख डॉलर
देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है, भारत सरकार का अधिकारी शामिल था।